दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, हमेशा किताबें बिकती हैं। आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके घर में आपके बच्चे हों, वो सभी किताबें जो हैं रजिस्टर और किताबें हमेशा खरीदते होंगे। 40-50 रुपए का एक एक रजिस्टर आता है आज के टाइम पे, तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है। इसके बारे में आज सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर बनते कैसे हैं, रजिस्टर कॉपियां कैसे बनती हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए। उसके बाद में बताऊंगा उन मशीनों के रेट क्या है, कितने की मशीन है, और उसके बाद में मैं आपको फोन नंबर दूंगा। सारा खर्चा बता के मैं आपको फोन नंबर दूंगा उनका, जो ये मशीन और ये रॉ मटेरियल जितना भी आता है रजिस्टर कॉपियां बनाने के लिए, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। उन सभी के फोन नंबर भी मैं आपको दूंगा। देखिए, नोटबुक्स ये किताबें बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जिससे आप मशीन लेंगे वही आपको सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीके से नोटबुक बनती है, कौन कौन सी मशीन चाहिए। देखिए, नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है व्हाइट पेपर को गत्ते के अंदर डालना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने गत्ते के अंदर व्हाइट पेपर को बिल्कुल इकसार तरीके से डाल दिया, इसी तरह से सबसे पहले ये व्हाइट पेपर जो है गत्ते में डाला जाता है। ये गत्ता भी मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल में पहले से ही आएगा सब कुछ। बहुत ही आसान काम है ये। डालने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिन लगाई जाती है, ये मशीन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। ये मशीन कई तरह की आती है, कुछ सस्ती आती है, कुछ महंगी आती है, वो उसी हिसाब से काम करती है जैसे उनका रेट होता है, जैसे उनका साइज होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें पिन लग चुकी है। काम को मशीन है, इससे क्या होता है, इसे जो है चकोर किया जाता है, नीचे से इकसार किया जाता है बिल्कुल, जो नीचे की तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन।
तो इस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं, इससे एक सार किया जाता है इस तरीके से, इसमें किताबें ये जो डाल के सारी। अब इसके बाद में जो चीज शुरू होती है वो होगी इसके बाद में कटिंग की। पहले आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी देर रखा जा रहा है ताकि ये नीचे से बिल्कुल सही तरीके से इकसार हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकसार हो चुकी है नीचे से, सारी नोटबुक को इकट्ठा डाला गया इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इकसार हो चुकी है। अब आती है बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरी वही मशीन है, उसकी जो पिछली साइड है ये बड़ी मशीन है पूरी की पूरी एक, तो इसकी जो पिछली साइड है उस पे अब इसे ले जाया जाएगा सारी किताबों को, और यहाँ पे इन किताबों की कटिंग होगी। जो रॉ मटेरियल था वो तो जुका तो आ गया, हमने सिर्फ इसमें पिन लगाया है, कागज डाला है और अपना इसकी कटिंग कर देंगे हम, और हमारा रजिस्टर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इकसार करके पहले इन्हें अंदर रखा गया, यहाँ पे इनकी कटिंग शुरू होगी। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से इसे बिल्कुल एकसार तरीके से रख लिया है। अब ये इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे और ऊपर एक ब्लेड होगा, बहुत ही ज्यादा तेज ब्लेड होता है वो, जो एक बार में इसे काट देगा सारी की सारी किताबों को। तो यहां पर देखिए किस तरीके से इन्हें निकाल के रख रहे हैं अभी। अब देखिए अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिल्कुल इकसार करके, ये इन्होंने ये देखिए ये ब्लेड चल गया, ये आप देख सकते हैं पूरा भारी ब्लेड होता है ताकि इकसार एक बार में काट दे। और हमारी किताबें जो है कट के तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये काम हमारा हो गया कंप्लीट, हमारा रजिस्टर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना, रजिस्टर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अभी से थोड़ा सा ये इकसार करेगा, जो फालतू की चीज जगह जहां भी होगी उसे ये सही से ब्लेड से कट कर देगा। आप देख सकते हैं ये फिर से वही कर रहा है, ये देखिए फालतू का सब कट हो गया बिल्कुल, और हमारा रजिस्टर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।